एक बार गणेश जी ने पृथ्वी पर मनुष्यों की परीक्षा लेने का विचार किया। वे अपना रूप बदलकर पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे। उन्होंने एक बालक का रूप बना लिया, एक हाथ में एक चम्मच में दूध लिया और दूसरे हाथ में एक चुटकी चावल ले लिए और गली गली घूमने लगे। साथ ही साथ आवाज लगाते कि कोई हमारी खीर बना दो, कोई हमारी खीर बना दो। लोग उन पर हंस रहे थे। सुबह से शाम हो गई। गणेश जी लगातार घूमते रहे। एक बुढ़िया अम्मा थी। शाम के वक्त वो अपनी झोंपड़ी के बाहर बैठी हुई थी। उसने कहा कि ला बेटा, मैं ही तेरी खीर बना देती हूँ। भगवान गणेश जी ने उस अम्मा से कहा कि मैं जरा स्नान करके आता हूँ, तुम तब तक खीर बना लो, मैं वापस आकर खाऊंगा। अम्मा ने कहा, मैं इतनी सारी खीर का क्या करूंगी। इस पर गणेश जी बोले, सारे गांव को दावत दे दो। उस बूढ़ी माँ ने बड़े प्यार से मन लगाकर खीर बनाई। खीर की भीनी भीनी मीठी मीठी खुशबू चारों दिशाओं में फैल गई। खीर बनाने के बाद वह हर घर में जाकर खीर खाने का न्योता देने लगी। लोग उस पर हंस रहे थे। बुढ़िया के घर में खाने को तो दाना नहीं है और सारे गांव को खाने पर खीर की दावत दे रही है। लोगों को कौतूहल तो जरूर हुआ, पर खीर की खुशबू से लोग खींचे चले आए। लो, सारा गांव उस बूढ़ी अम्मा के घर इकट्ठा हो गया। जब बूढ़ी माँ की बहू को दावत की बात मालूम हुई, तब वह सबसे पहले वहां पहुंच गई। उसने खीर से भरे पतीले को देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। उसे बड़ी जोर से भूख लगी थी। उसने एक कटोरी में खीर निकाली और दरवाजे के पीछे बैठकर खाने की तैयारी करने लगी। इसी बीच एक छींटा गिर गया और गणपति जी को भोग लग गया और वो प्रसन्न हो गए। अब पूरे गांव को खाने की दावत देकर बूढ़ी माँ वापस अपने घर आई तो उसने देखा बालक वापस आ गया था। बुढ़िया ने कहा, ले बेटा, खीर तैयार है, भोग लगा ले। गणेश जी बोले, माँ, भोग तो लग चुका है, मेरा पेट पूरी तरह से भर गया है, मैं तृप्त हूँ, अब तू खा, अपने परिवार और गांव वालों को खिला। अम्मा ने कहा, यह तो बहुत ज्यादा है, सबका पेट भर जाएगा, इसके बाद भी बच जाएगी, वो बची खीर का मैं क्या करूँगी। इस पर गणेश जी बोले, उस बची खीर को रात को अपने घर के चारों कोनों में रख देना। बूढ़ी माँ ने वैसा ही किया। जब सारा गांव जी भर के खा चुका, तब ढेर सारी खीर बच गई। उसने उसके पात्रों को अपने घर के चारों कोनों में रख दिया। सुबह उठकर उसने देखा, उसकी सारी दरिद्रता दूर हो गई। गणेश जी सबकी मनोकामनाएं पूरी करने लगे। जैसा भगवान गणेश ने उस बूढ़ी माँ पर कृपा की, वैसी कृपा भगवान हम सब पर बनाए रखना। ओम गंग गणपते नमः। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।